नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में सेक्शन 420 तक अपना डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम सेक्शन 421 से लेके सेक्शन 462 तक डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करें, पहले हम अपने जो हमने पार्ट वन में जो वीडियो देखी थी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 378 से लेके सेक्शन 382 तक थेफ्ट के सेक्शंस हैं। थेफ्ट के इंग्रेडिएंट क्या हैं? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट एंड मूवमेंट ऑफ द थिंग, जो भी आपको जिसको आप चोरी करना चाहते हैं, राइट? तो ये चार इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सटॉर्शन, जिसके सेक्शन है 383 से लेके 389 तक। एक्सटॉर्शन में कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जब आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं एक तरह से कि आइदर यू गिव मी दिस और आई विल किल दैट पर्सन, आई विल किल यू और द पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन। तो जब हम किसी को इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, किसी को डराते हैं, तो उसको भी हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रॉबरी और डकैती। रॉबरी इज आइदर अ थेफ्ट और अ डकैती, सॉरी, आइदर रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और आइदर एक्सटॉर्शन। डकैती इज रॉबरी, एवरी रॉबरी इज डकैती इफ इट इज कमिटेड बाय 5 or more person, राइट? उसके बाद आता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। तो अब इसके एक्सटॉर्शन के सेक्शन 383 से लेके 389 तक, रॉबरी और डकैती के कंबाइंड सेक्शन 390 से लेके 402 तक। उसके बाद दोस्तों आती है बात क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की। तो इसके सेक्शन है 403 and 404। बेसिकली जब आप किसी ऐसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लें जिसके लिए आप एंटाइटल्ड नहीं है, राइट? जब आपको when you know कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, या आपके पास अपॉर्चुनिटी हो टू फाइंड आउट दैट पर्सन हुज दैट प्रॉपर्टी इज, तो उस केस में अगर आप सोचते हैं, जैसे आपके पास आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई उसकी कोई चीज़ आपके पास है या आपके हाथ लग गई, आपको मिल गई, किसी ने आपको दे दी कि भाई ये उसका फ्रेंड है, ये उसको वापस कर देगा, अब आप उसको वापस ना करके उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, देन दैट इज़ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसी तरह से दोस्तों फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप क्या करते हैं कि आपको भरोसे पे कोई चीज़ दी जाती है और फिर आप उस भरोसे को तोड़ देते हैं, राइट? सो इसके सेक्शन है 403 से लेके 409 तक। उसके बाद दोस्तों आता है स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन। वो स्टोलन प्रॉपर्टी में जो इन ये जितने भी तरीके हैं रॉबरी, थेफ्ट, डकैती, एक्सटॉर्शन, इन सब की प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर 410 से लेके 414 तक उसका डिस्कशन है, और फिर 415 से लेके 420 तक डिस्कशन जो है वो चीटिंग का है। तो वो हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था, आज के वीडियो में हम उसके आगे से देखेंगे। तो अपना आज का काम शुरू करते हैं। आई हैव दिस बेरेक विद मी। तो सबसे पहले जो सेक्शन है दोस्तों वो है फ्रॉडुलेंट डीड्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि इन सेक्शंस में ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, पर और ना ही इनसे कभी कोई क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी मैं आपको जो इन ब्रीफ मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इनमें क्या है कि जैसे आपके ऊपर कोई कोर्ट की देनदारी है, मतलब कोर्ट में आपका ऊपर कोई केस चल रहा है और उसमें आपके ऊपर कोई फाइन लगना है, या जो प्रॉपर्टी है इट इज अ सूट प्रॉपर्टी एंड यू डिस्पोज इट ऑफ, ठीक है? तो आपके ऊपर ये सेक्शन लग सकते हैं 421 से लेके 424 तक, क्योंकि यू आर डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सो दैट इट इज नॉट गिवन टू योर क्रेडिटर्स। जैसे कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, कुछ लोग
वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच भी देंगे। अब बैंक फिर बाद में परेशान होता है या क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है तो फिर उसके ऊपर एक ऑफेंस बनता है, फिर उस तरह के ऑफेंसेज इसमें कवर्ड है। सो हूएवर मैफोर सेक्शन 421 पढ़ रहा हूँ, हूएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूव्स कंसील्स और डिलीवर्स टू एनी पर्सन ट्रांसफर और कॉजेज टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ अमंग हिज क्रेडिटर्स और द क्रेडिटर ऑफ एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद 2 years और विद फाइन और बोथ। तो 424 तक हर सेक्शन में पनिशमेंट 2 साल ही है। तो अब जब आप अपने क्रेडिटर्स में वो प्रॉपर्टी ना चली जाए, उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, इससे आप किसी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे दे देते हैं, तो वहाँ हम समझेंगे कि आपने ये ऑफेंस किए हैं सेक्शन 421 में। इसी तरह से 422 है और इसी 423 में फिर डीड का एग्जीक्यूशन, अगर आपने कोई डीड बनाई है तो राइट। और 424 में आप जब कोई प्रॉपर्टी कंसील करते हैं। तो अब हम अपना आज का मेन डिस्कशन शुरू करते हैं, विच इज मिस्चिफ। तो दोस्तों मिस्चिफ क्या होता है? मिस्चिफ एक्चुअली हम कह सकते हैं, अगर मैं आपको प्योर कॉमन लैंग्वेज में बताऊं, तो जब हम कोई शरारत करते हैं, कोई शरारत भरा एक्ट करते हैं, उसको हम मिस्चिफ कहते हैं, राइट। तो अभी जैसे आपको पता होगा, केरला में एक एलिफेंट के साथ कुछ लोगों ने क्या किया कि उस एलिफेंट को उन्होंने एक्सप्लोसिव आइटम उसको पाइनएप्पल में खिला के दे दिया, जिससे कि उसको वो एक्सप्लोड हो गया और वो एलिफेंट की डेथ हो गई। तो दिस वाज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 429 और उसमें जिस व्यक्ति ने ये किया है उसे 5 साल की सजा भी होगी, क्योंकि अंडर सेक्शन 429 देयर इज पनिशमेंट ऑफ 5 years। तो पहले हम मिस्चिफ के डेफिनेशन देखते हैं तो फिर आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे, राइट। हूएवर विद इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक पब्लिक और टू एनी पर्सन, यानी दोनों इन्वॉल्व है, पब्लिक भी और प्राइवेट पर्सन भी, कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेज इट्स वैल्यू और यूटिलिटी और अफेक्ट्स इट इंजीरियसली कमिट्स मिस्चीफ। यानी कि जब आप जान पूछ के इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंगली, नोइंग दैट जिससे कि आप किसी को रॉन्गफुल लॉस कर सकते हैं, आप उस चीज को इस तरह से डैमेज कर रहे हैं कि या तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उस केस में आप क्या, आपको आपने कौन सा ऑफेंस किया है? मिस्चिफ का ऑफेंस किया है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? रॉन्गफुल लॉस, नोइंग और यू नो विद इंटेंट टू कॉज, आपकी इंटेंशन ही हो या आप जानते हो कि इस काम से ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो चीज डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, इट कैन, अगर आपने उसकी वैल्यू भी कम कर दी तो भी आप मिस्चिफ के लिए लायबल है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की कोई डायमंड रिंग है, तो आपने वो गोल्ड तो छोड़ दिया, उसमें जो डायमंड है वो आपने निकाल लिया, राइट। तो आपने उसकी वैल्यू कम कर दी, तो फिर आपने कौन सा ऑफेंस कर दिया? मिस्चिफ का ऑफेंस कर दिया, राइट। तो अब हम इसकी एक एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। इट इज नॉट असेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिस्चीफ दैट ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, इट इज सफिशियंट इफ ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन बाय इंजरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। मतलब आपकी इंटेंशन जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, अगर आपको ये पता है कि इससे किसी व्यक्ति का नुकसान होगा तो आपने मिस्चिफ का ऑफेंस कर दिया है। मिस्चिफ मे बी कमिटेड, एक्सप्लेनेशन टू, मिस्चिफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट आफ्टर अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दैट पर्सन हु कमिट्स द एक्ट टू दैट पर्सन और अदर्स जॉइंटली, राइट।
तो अब इसके साथ दोस्तों 8 इलस्ट्रेशंस दी गई है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं एक बहुत ज़रूरी बात कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जो एनिमल्स है, एनिमल्स को प्रॉपर्टी समझा गया है ऑफ ह्यूमंस। तो वो जो हाथी वाला इंसिडेंट है ना, वो हाथी वाले इंसिडेंट में वो एलिफेंट इज कंसिडर्ड टू बी, यू नो, सिंस ही इज एन एनिमल, तो उसको हम प्रॉपर्टी समझते हैं। खैर, वो सेक्शन तो स्पेसिफिक है, बट फिर भी जनरल यूज़ के लिए बता रहा हूँ। ह्यूमंस के अलावा बाकी सब एनिमल्स जो हैं वो इसमें, इसके अंदर प्रॉपर्टी कंसिडर्ड है, और उनके लिए फिर सेपरेट एक्ट है, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, राइट। तो एक बार हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, दो तीन इलस्ट्रेशन। सी, ए वॉलंटरली थ्रोज इन टू रिवर रिंग बिलोंगिंग टू जेड विद इंटेंशन देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। यानी कि उसने उसकी रिंग ली और वो नदी में फेंक दी, तो उसने मिसचीफ का ऑफेंस किया है। इलस्ट्रेशन एच, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन फील्ड बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू जेड्स क्रॉप। मतलब अब ए जो है अपना कोई एनिमल जो है वो उसकी फील्ड में छोड़ देता है इस इंटेंशन से कि ये इसकी फील्ड को, इसकी क्रॉप को डैमेज करेगी, मेरा एनिमल इसकी क्रॉप को डैमेज करेगा, तो उसने वहाँ पे मिस्चिफ का ऑफेंस किया है। तो अब यहाँ आप देखिए 426 में जो मिस्चिफ की पनिशमेंट दी गई है दोस्तों, वो केवल 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स, सो लेस, आई थिंक इट शुड बी इंक्रीज्ड, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सो सेक्शन 427, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पनिशमेंट बढ़नी शुरू होगी, जैसे जैसे मिस्चिफ का लेवल बढ़ता जाएगा पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये अंग्रेजों के ज़माने से चलती हुई चीज़ें हैं। सेक्शन 427 आप देखेंगे, मिस्चिफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़। आज की डेट में सब कुछ 50 रुपये से ऊपर है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो 50 रुपये से कम होगी। तो अगर आपने 50 रुपये से ज़्यादा किसी को रॉन्गफुल लॉस कर दिया है, मिस्चिफ उसके साथ कमिट कर दिया है, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। मिस्चिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। अब मेरे ख्याल में हर एनिमल 10 रुपये से तो ज़्यादा की वैल्यू का है, और यहाँ भी 2 साल की सजा है। हुएवर कमिट्स मिस्चिफ बाय किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग, रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल of 10 rupees or upward shall be punished with 2 years or with fine or both। इसी तरह से सेक्शन 429 तो मैंने आपको बताया, इसमें 5 साल की सजा है। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, अब यहां देखिए स्पेसिफिक एनिमल्स का नाम है, एनी एलिफेंट। अब जरूरी नहीं है ये एलिफेंट आपसे बिलोंग करता हो तभी होगा, यानी ये प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप वाइल्ड एनिमल के साथ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो आप यहां पनिशेबल होगा। एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काउ और ऑक्स, एनी है दोस्तों, एनी वर्ड है। सो इट शुड नॉट, इट डज नॉट कवर नॉट ओनली पेट एनिमल्स बट इट ऑल्सो कवर्स वाइल्ड एनिमल्स। तो अब यहां एक कोई प्री में क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे 429 में जो आपसे ये एनिमल्स दिए हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें काउ फैमिली के एनिमल्स हैं और एलिफेंट, कैमल और हॉर्स और डोंकी, म्यूल, राइट। तो इसमें 5 साल की सजा है। 430 में है दोस्तों मिस्चिफ बाय इंजरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो आपने सिंचाई वगैरह का कहीं काम में कोई डिस्टर्बेंस कर दी तो भी आपको 5 साल की सजा होगी। किसी पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर, चैनल को नुकसान पहुंचाया तो भी 5 साल की सजा होगी। किसी पब्लिक ड्रेनेज को डैमेज किया तो भी 5 साल की सजा है। 433 में किसी लाइट हाउस या सी मार्क को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। किसी लैंडमार्क को पब्लिक जो अथॉरिटी ने फिक्स किया, जैसे आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे या जब आप सड़क पर जाते होंगे तो आपको जो पत्थर दिखाई देते हैं ना, इसमें डिस्टेंस लिखा होता है किलोमीटर्स का कि यहाँ से ये जगह कितनी दूर रह गई है, तो अगर आपने वो पत्थर उखाड़ के फेंक दिया तो आपको 434 में पनिशमेंट हो सकती है, विच इज़ 1 ईयर। नाउ 435,
मिस्चिव बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू कॉज टू डैमेज टू 100 इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 10 रुपए से ज्यादा की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आपने नुकसान कर दिया तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 435। इसी तरह से 435 में किसी हाउस को अगर आप करते हैं या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को करते हैं नुकसान तो 10 साल की सजा है। 437 में भी 10 ईयर्स की पनिशमेंट है। इसी तरह से आगे और 2-3 सेक्शन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज ट्रेसपास। तो दोस्तों ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी किसी जगह पे आ जाए उसको हम ट्रेसपास कहते हैं। यहां देखिए सेक्शन 441 से लेके 446 तक क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, फिर उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। हूएवर एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ एनदर, पोजेशन है दोस्तों ओनरशिप नहीं है, पोजेशन ऑफ एनदर विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस और टू इंटिमिडेट इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। यानी कि अब जब आप अपने किराएदार के यहाँ जाते हैं मान लीजिए और आप अपने किराएदार को जाके धमकाते हैं खाली कर, बाकी अपने मान लीजिए आपके 3-4 किराएदार हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और आप वहां जाके उसको ऐसे धमकाते हैं उसकी इंसल्ट करते हैं या किसी और व्यक्ति को आप करते हैं, नॉट ओनली योर किराएदार और टीनेंट किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा करते हैं, देन यू कमिट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊं क्रिमिनल ट्रेसपास से हाउस ट्रेसपास कैसे बनेगा, पर पहले भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने उसको धमकाया या अनॉय किया, अनॉय करना भी ऑफेंस है, सिर्फ वो उसके पोजेशन में है, पोजेशन में होनी चाहिए उसकी चीज, ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज सून एज यू इंटिमिडेट डराते हैं इंसल्ट करते हैं या अनॉय करते हैं तो आपने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कर दिया। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू सच प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी एंट्री तो फ्रेंडली है और बाद में आप उसको करने लग गए उसके साथ कुछ गलत। हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर विद इंटेंट देयर बाय टू इंटिमिडेट इंसल्ट अनॉय एनी सच पर्सन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, राइट। यानी कि अब यहां आपकी इंटेंशन कमिट करने की होनी चाहिए ऑफेंस, इंसल्ट, अब वो तीनों रिक्वायरमेंट सेम है, इंटिमिडेट इंसल्ट अनॉय, यानी कि आपकी एंट्री फ्रेंडली हो, अब वो आदमी आपको कह रहा हो आप जाओ यहाँ से और आप नहीं जा रहे, आप वहीं डटे हुए हैं उसको डरा रहे, तो आपकी एंट्री भले ही फ्रेंडली हो पर फिर भी आपने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया है। सो दिस इज क्रिमिनल ट्रेसपास डिफाइंड अंडर सेक्शन 441, राइट। नाउ व्हेन क्रिमिनल ट्रेसपास बिकम हाउस ट्रेसपास, जो थेफ्ट में रिक्वायरमेंट थी वही रिक्वायरमेंट यहां पे है। हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग टेंट वेसल यूज्ड बाय ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि जब कोई मकान कोई जगह जो है रहने के लिए यूज हो रही हो या एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी भगवान के मंदिर में किसी मस्जिद में किसी गुरुद्वारे में जब आप वहां ऐसा करते हैं राइट तो आपने हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कर दिया है, राइट। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग का मतलब दोस्तों होता है कि जब आप छुपते हैं कहीं छुप के बैठे हैं आप और मौका पाके आप करते हैं उसको हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has right to exclude or eject the trespasser from building tent vessel which is the subject of trespass is said to commit lurking house trespass. तो जैसा मैंने आपको बताया जब आप छुप के बैठे हैं मौके की तलाश में हैं trespass करने की house trespass करने की तो उसको हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास।
लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, अब रात को अगर आप कर रहे हैं तो उसकी डिग्री बढ़ जाती है, पनिशमेंट बढ़ जाएगी। दिस इज 444। नाउ कम्स हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग के 6 तरीके बताए गए हैं सेक्शन में। अगर आपने उनमें से कोई भी कोई तरीका अपनाया है तो आपने हाउस ब्रेकिंग करी है, जो हाउस ट्रेसपास से ऊपर का ऑफेंस है, मतलब उससे एक डिग्री और ऊपर है, राइट। तो पहला तरीका है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज बाय हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर ऑफ हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग द ऑफ हाउस ट्रेसपास। यानी कि जब आपका आपने खुद रास्ता बनाया हो उसमें जाने का, मतलब वो उसका नेचुरल रास्ता ना हो उस जगह में जाने का, आपने कोई खुद का रास्ता बनाया हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो चोर होते हैं वो छत को काट देते हैं और छत को काट के अंदर जाते हैं, राइट। तो वो होगा हाउस ब्रेकिंग, राइट। सेकेंड इज, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय द एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस थ्रू एनी पैसेज विच ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। यानी कि जो आप हिंदी फिल्में देखते हैं, उन हिंदी फिल्मों में एक सीन आता है कि हीरो जो है वो पाइप पे चढ़ के जाता है लड़की के पास और वो वहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है। तो वो जो ऑफेंस है दैट इज हाउस ब्रेकिंग, वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है और वो लड़की का बाप चाहे तो उसको पनिश करवा सकता है। सो दिस इज सेकेंड कैटेगरी, जब आप दीवार चढ़ के या कोई किसी भी तरह से ऊपर चढ़ के जाए। थर्डली, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही और अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपन्ड इन ऑर्डर टू कमिटिंग द हाउस ट्रेसपास बाय एनी मीन्स बाय विच दैट पैसेज वॉज नॉट इंटेंडेड बाय ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस टू बी ओपन्ड। यानी कि जब आपने किसी घर की रेकी कर ली, आपने जैसे मान लीजिए उनके घर में कोई दरवाज़ा है जो परमानेंटली लॉक रहता है, अब आपने उस लॉक को खोल दिया या तोड़ दिया, जैसे भी कर दिया आपने, और आप उस रास्ते से निकल रहे हैं या उस रास्ते से आ रहे हैं तो भी आपने हाउस ट्रेसपास कर दिया। इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिट हाउस ट्रेसपास, जब आपने लॉक खोल दिया यानी कि ताला तोड़ दिया या ठीक है, और इन ऑर्डर टू क्विटिंग द हाउस आफ्टर कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, यानी कि आपने जब लूट लाट लिया अपना, जो भी आपने ऑफेंस करना था कर लिया, उसके बाद आपने अगर ताला तोड़ के या जैसे मान लीजिए किसी ने आपको लॉक कर दिया अंदर से फॉर कॉलिंग पुलिस, तो अगर आपने उसे तोड़ के आप निकल गए तो भी आपने ये ऑफेंस किया है, भले ही आपकी एंट्री फ्रेंडली हो। फिफ्थली, इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, यानी एंट्रेंस और डिपार्चर दोनों कमिटेड है, बाय कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद एन असॉल्ट, यानी कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो वहां पे आए। तो उसके बाद दोस्तों एक और इसमें रिक्वायरमेंट है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन फैसन्ड, यानी कि कोई बंद है दरवाजा और उसको वो खोलता है तो वहां भी उसने ये ऑफेंस किया है। तो दोस्तों अब इसकी इलस्ट्रेशंस देखते हैं, सेक्शन के साथ कुछ इलस्ट्रेशन दी गई है विच वुड मेक द पॉइंट मोर क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू वॉल ऑफ जेड हाउस, यानी कि वो दीवार में कोई गड्ढा करता है, राइट, एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपरेचर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग, राइट। तो जैसे इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए जेल है, जेल, तो जेल इज यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। अब कोई आदमी, जैसे अगर आप कभी जेल गए हो तो आपको पता होगा जेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती है, जो आउटसाइड वॉल होती है वो बहुत बड़ी होती है, कम से कम वो 12 से 15 फुट की दीवार होती है, ठीक है। तो वहां जब आप उस दीवार में आपने मान लीजिए कोई गड्ढा किया और उस गड्ढे के थ्रू आपने किसी को, किसी पुलिस वाले को कुछ दे दिया या कुछ वो कर दिया, हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बट एक रेयर सर्कमस्टांसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक ऑफेंस होगा, क्योंकि दैट प्लेस इज ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, राइट। तो अगर आपने किसी के घर की दीवार में छेद कर दिया तो भी
वो हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू शिप और पोर्ट होल बिटवीन डेक्स, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। यानी कि जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा कि वो पाइप चढ़ के खिड़की से लड़की कमरे में जाता है हीरो, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस है दोस्तों। एक और हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इसमें टोटल 8 इलस्ट्रेशन है, मैं एक इलस्ट्रेशन और ले रहा हूँ, तो हम ले लेते हैं इलस्ट्रेशन ई। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग लिफ्टेड अ लैश बाय पुटिंग अ वायर थ्रू अ होल इन द डोर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। यानी कि उसमें जो दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी वो उसने कुछ तार वगैरह डाल के उसने वो खोल लिया की होल से और गेट खुल गया, सो दैट इज ऑल्सो हाउस ब्रेकिंग। अब इसी तरह से हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेज है, तो जब आप सनसेट से लेके सनराइज के बीच में आप करते हैं तो वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। सो 447 जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसमें कि दोस्तों इसमें 3 महीने की सजा है और 500 रुपये का जुर्माना है। अब देखिए इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में फ़र्क क्या, हाउस ट्रेसपास सिर्फ वहीं हो सकता है जो जगह ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होती हो, राइट, या जहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप हो या कोई प्रॉपर्टी रखने की जगह हो, वो उसी को हम हाउस ट्रेसपास कहेंगे। लेकिन जब कोई कमर्शियल ऑफिस है, जैसे मेरे कोई ऑफिस में आ जाता है, तो वो फिर क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, तो वहाँ ये सेक्शन लगेगा 447। 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास विच इज़ यू नो 1 ईयर, वहाँ 3 महीने थी, यहाँ 1 साल हो गई। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यानी कि जब आप हाउस ट्रेसपास करते हैं कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसमें डेथ सेंटेंस है, जैसे कि आप डकैती विद मर्डर करने के लिए जाते हैं, आप मर्डर करने के लिए जाते हैं, आप गैंग रेप करने के लिए जाते हैं, तो वो सब डेथ सेंटेंस के केसेस हैं, तो वहाँ आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10 साल कम से कम सजा हो सकती है, राइट। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अब कोई आप ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं जिसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, राइट। जब आप कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ जेल का प्रोविजन है, तो फिर आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये जो 452 है दोस्तों, दिस इज ऑफेंस विच इज यू नो वाइडली रिपोर्टेड, बहुत होते हैं इसके केस 452 के, जब कोई किसी के घर में घुस के किसी के साथ मारपीट करता है तो 452 लगती है और इसमें 7 साल की सजा है, राइट। इसी तरह से दोस्तों सारे सेक्शन है, सेक्शन 462 तक, तो जैसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाएगा सेक्शन 457 में, वहाँ 14 साल की सज़ा है, राइट। ऐसे ही 458 में भी दोस्तों 14 साल की सज़ा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, क्या मैंने अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया आपको, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है दोस्तों वो भी आप बता सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।